नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर जो 27 जून की बैठक प्रस्तावित थी वो आज पूरी हो गई। बैठक में चर्चा उन सभी बिंदुओं पर हुई जो प्रस्तावित थे। बैठक का जल्द ब्यौरा अभी हमारे साथ शिक्षा मित्र नेता जुड़ेंगे जो बैठक में कुछ जानकारी लेके आए क्या हुआ बैठक में। आप का उद्देश्य होता है कि बैठक का ब्यौरा मिल जाए, बैठक की जानकारी मिल जाए। चूंकि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो शायद रुक रुक कर आपके सामने बात कर रहा हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह आ गए हैं, हम सीधा विक्रम सिंह के पास चलेंगे, रुक करेंगे। तब तक हमारे साथ वो शिक्षा मित्र नेता भी, विक्रम सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सिंह, आज बैठक हो गई, अभी तक कुछ जानकारी बड़ी नहीं मिल पाई है, क्या पता लगा? आपके सूत्र ज्यादा कामयाब रहते हैं। माइक खोलिए आप अपना। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। बात करने का प्रयास किया हूँ, अभी बात नहीं हो पाई है। अभी मैं फोन एक बार मिलाया था तो फोन उठा नहीं है, अभी फिर मिलाऊंगा और देखता हूँ क्या बात हुई है। अभी डिबेट के दौरान ही मैं बात करूंगा, फिर फोन मिलाऊंगा, देखता हूँ आज की मीटिंग में क्या हुआ है, कुछ चर्चा हुई क्या हुआ, इसके बारे में अभी बात करूंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले फोन मिलाया था। विक्रम सिंह, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को आज की उससे, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो ये है कि बैठक में मानदेय की चर्चा हो गई है और ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिलहाल चर्चा हो गई और जिसकी उम्मीद थी, जो कल रमेश मिश्रा ने बात कही थी, वो बड़ी अच्छी बात थी कि ज्यादा सोच न रखें शिक्षा मित्र। तो जल्दी हमारे साथ शिक्षा मित्र नेता आ रहे हैं अभी, लेकिन विक्रम सिंह, इससे उम्मीदें तो सबको थी। नहीं, इस सरकार, देखिए जो वर्तमान की सरकार है सर, जो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किसी संविदा कर्मचारी, कोई कर्मचारी, न अनुदेशक न शिक्षा मित्र को कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। जहां तक, क्योंकि एक कहावत है ना, भूत के पांव पाले में ही दिखाई दे देते हैं, और अंग्रेजी में कहा जाता है मॉर्निंग शोज द डे और कमिंग इवेंट्स कास्ट ए शैडोज बिफोर। तो इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद पालना अपने साथ धोखा देना है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इनका इतिहास ही उस प्रकार का रहा है। आप तो दूसरी बार सत्ता में आए हैं ना, पहली बार भी सत्ता में आए थे और इन्हीं संविदा कर्मचारियों के बल पे आए थे, और इस बार भी बहुत लोगों ने आपको वोट दिया। अभी आपका एक घंटा पहले आप चर्चा कर रहे थे राजनाथ सिंह जी की रैली, उस रैली का पोस्टर देखिए, उसमें लिखा है अधिकार दिलाओ रैली, उस रैली का उसमें मोदी जी का भी फोटो है, और मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, और लालजी टंडन जी का भी उसपे फोटो लगा हुआ है। लालजी जो इस समय नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका भी फोटो लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है, जब मोदी जी का पोस्टर, गृह मंत्री जी का पोस्टर, देश में सबसे बड़ा पद होता है ना, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है प्रोटोकॉल में, पावर में भी, तो जब ऐसे ऐसे लोगों के पोस्टर लगे हैं और उसमें लिखा है अधिकार दिलाओ रैली, और जो हमारा अधिकार दिलाएगा वो प्रदेश में राज करेगा, ये हमारा नारा नहीं है, ये भाजपा का नारा है। और पोस्टर देखिए, मोदी जी का पोस्टर है, जो कि मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे देश का, क्योंकि वो 3 अप्रैल 2016
2016 का कार्यक्रम है और मोदी जी तो 2014 में ही प्रधानमंत्री बन गए। तो जब प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाकर गृह मंत्री खुद उस मीटिंग में आकर बड़े बड़े भाषण देकर चले गए, अमित शाह जी को भी जाना था लेकिन वो नहीं आ पाए, इन समय उनका कार्यक्रम बदल गया। तो कहने का मतलब जब इतने बड़े बड़े और इसी के बल पे 17 में सत्ता में आई, शिक्षा मित्रों ने भी वोट दे दिया भाजपा को, शिक्षा मित्र साथियों ने भी 2017 में भाजपा को वोट दिया और इसी का मलाल है समाजवादी पार्टी को। कभी कभी हम लोग जाते हैं वार्ता करने तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, मुझे याद है एक MLC हुआ करते थे भदौरिया जी, कोई भदौरिया जी थे सीतापुर साइड के MLC हुआ करते थे, अनुराग भदौरिया जी नहीं, ये दूसरे एक भदौरिया जी हैं, आनंद भदौरिया जी। तो आनंद भदौरिया जी से हम लोग मिलने गए थे, उन्होंने कहा साफ उस बैठक में उन्होंने कहा, हम लोग 20-25 लोग गए थे उनके लखनऊ में उनके आवास पे, और उन्होंने कहा कि 2018 में हम लोग गए थे, उन्होंने कहा कि कोई किसी का क्या काम करेगा, साफ यही उनका लाइन था कि कोई किसी का क्या काम करेगा, कोई किसी के लिए कितना वो लेगा, पेन लेगा। शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने नियमित किया और वो शिक्षा मित्र 2017 में भाजपा को वोट दिए, ये आनंद भदौरिया जी के स्टेटमेंट थे। तो जब शिक्षा मित्रों ने वोट दिया, अनुदेशकों ने वोट दिया, प्रदेश के सारे संविदा कर्मियों ने वोट दिया, ये 325 सीट 47 सीट पाने वाली पार्टी 325 सीट पे पहुंच जाए तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं, इसके लिए सभी ने बूथ स्तर पे लगकर काम किया। और आपने क्या दिया सभी को, आपने सभी को क्या दिया, सबने तो आपको 2017 में सत्ता में लाया और आपने आप जब सत्ता में आए तो इन लोगों को क्या दिया ये भी तो बताना चाहिए। आज 9 साल के कार्यकाल की बातें हो रही है लेकिन 9 साल में अनुदेशक को क्या मिला, शिक्षा मित्र को, शिक्षा मित्रों को क्या मिला और उत्तर प्रदेश के किसी संविदा कर्मचारियों को क्या मिला, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। आज भाजपा के लोग घर घर जाके 9 साल के क्रियाकलाप का, अरे 9 साल क्यों, 4 साल की बात करिए ना, 5 साल के बदले तो दूसरी बार सरकार बन गई। देखिए क्या विक्रम सिंह, बिल्कुल मैं अभी आऊंगा दोबारा आपके पास। सुशील कुमार हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हैं, शिक्षा मित्र संघ के लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं, बैठक की अपडेट लेके आए हमारे साथ, आदरणीय सुरेंद्र सर जुड़ चुके हैं, हमने प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और सीधा सा सुशील कुमार जी के साथ जुड़ते हैं और सुशील से पूछते हैं, सुशील जी से, सुशील जी आज क्या रहा बैठक का लब्बू लुआब, बड़ी उम्मीद थी, हम आदरणीय सुरेंद्र सर का भी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और सीधा सुशील जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद सुरेंद्र सर के पास आएंगे। क्या रहा आज बैठक का निर्णय? आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी और सुरेंद्र सर जी और हमारे भाई विक्रम सिंह जी, आप सबको सादर नमस्कार। आज जैसा कि पूर्व से तय था कि आज शासन में बैठक होनी है और विनियमन समीक्षा समिति की बैठक होनी थी जिसमें माननीय सदस्य विधान परिषद लोग नामित किए गए थे, और आज जब हम लोग विधानसभा पहुंचे तो पता चला कि बहुत सारी समितियों की आज बैठक थी, तो समय के अनुसार एक एक समितियों की बैठक संपन्न हुई। जब विनियमन समिति की बैठक समाप्त हुई तो उसकी अपडेट लेने के लिए जब हम लोग पहुंचे, हम और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी थे। हम लोगों ने पहले तो जो लोग, जो हमारे माननीय MLC लोग शामिल थे बैठक में, उनसे संपर्क किया, उनसे वार्ता हुई, फिर हम लोग माननीय MLC उमेश द्विवेदी जी से मिले और पूरी अपडेट लिया। उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि ये जो समितियों की बैठक होती है या विधानसभा सत्र चलने के बाद विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा और पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों
के जवाब सरकार द्वारा जो दिए गए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में और उनमें क्या सुधार किया जाए और उससे लोग संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, इस तरह की एक सरकार को आईना दिखाने के लिए ये लोग एक कोरम पूरा करने के लिए बैठक करते हैं, जो हमारे देश के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि यदि विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों से, पक्ष के द्वारा दिए गए जवाब से जनता संतुष्ट है तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और उसमें सरकार क्या निर्णय ले सकती है। इस तरह की बैठकों की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है, इसी परिप्रेक्ष्य में समितियों की बैठक होती है। तो आज की बैठक जो शिक्षा मित्रों से संबंधित अकेले नहीं थी, कुल 15 बिंदु थे और उन 15 बिंदुओं को चर्चा करके पूरी तरह से वो बिंदु समाप्त कर दिए गए, यानी अब उनपे कोई चर्चा आगे नहीं होगी। उसमें अधिकतर सदस्य विधान परिषद सत्ता पक्ष के थे, तो शायद कुछ तकनीकी व्यवधान हो रहा है। सुरेंद्र सर तो कल ही इस पर बता चुके थे कि ये जी फॉर्मेलिटी, ये हमारे संगठन के प्रधानमंत्री अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया था कि ये केवल फॉर्मेलिटी है और इससे बहुत ज्यादा उम्मीद शिक्षा मित्र ना लगाएं। तो उसमें सत्ता पक्ष के लोग थे, उन्होंने एक एक करके जवाब दिया है और शिक्षा मित्रों को मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इन बैठकों से, इन समितियों से शिक्षा मित्रों का ना तो मानदे बढ़ने वाला है और ना ही उनका कोई और भी शासनादेश आने वाला है। अभी कुछ शिक्षा मित्र हमारे बेचारे परेशान है कि कल कैबिनेट की बैठक है, उसमें शायद कुछ हो जाए। लगभग इस सरकार में हर सप्ताह या 15 दिन में कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आप ये उम्मीद मत पालें कि हमारे लिए कुछ होने वाला अभी है। उन लोगों द्वारा बताया गया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक इन समितियों की बैठक से या अन्य किसी बैठक से कुछ आपका मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मैटर पॉलिसी मैटर है, 1.5 लाख लोगों का मामला है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय नहीं लेगी, तब तक हम लोग अपनी सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी सलाह पे पूरी तरह से अमल हो जाएगा। आज की बैठक का ये सार है और आगामी 12 जुलाई को अगली बैठक भी विनियमन की होगी, लेकिन उसमें अन्य बिंदु रखे जाएंगे, अगले बिंदु रखे जाएंगे। ये आज की बैठक है सुकुमार जी, और मैं शिक्षा मित्रों को बताना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से हर तरह से जो जहां से जुड़ा है, जैसे जुड़ा है सरकार के द्वारा, और सरकार का जो राजनीतिक दल है, जिस दल की पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, उन लोगों से मिल करके अपनी बात रखें। और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग सरकार के संविदा कर्मचारी हैं और पूरे देश में सबसे कम मानदेय केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिलता है, काम हम सबके बराबर करते हैं। इन बातों को सरकार के सामने रखना और सरकार से हम लोगों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए समान कार्य समान वेतन की मांग करनी है, ज्यादा कुछ मांग नहीं है बची है, 2-2, 4-4, 10-10 साल की नौकरी बची है, जितने दिन बचे हैं समान कार्य के समान वेतन दे दें, वो चाहे हमारे अनुदेशक भाई हों, चाहे हमारे शिक्षा मित्र भाई हों, सब शिक्षक के बराबर काम करते हैं, सबको समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। हमारे ही साथ उत्तराखंड के शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, वहां पर व्यवस्था अच्छी हो गई है, हम चाहते हैं कि वहां भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार निर्णय ले, शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश में भी जीवन यापन हंसी खुशी करने का मौका दे, हम सभी सरकार के आभारी रहेंगे। बिल्कुल,